अगला क्वेश्चन 2014 में पूछा गया जो क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द वेट ऑफ द बॉडी प्लेस ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ रोटेटिंग। अब उसने जो बोला कि अर्थ रोटेट हो रही है और इस पर कोई बॉडी रखी हुई है, मैंने मांगा ना ओमेगा से अर्थ रोटेट हो रही है। अगर मैं इन जनरल की बात करूँ जो हम करते आए हैं, अगर मैं इसके लिए जी इफेक्ट किसी पॉइंट पे मैं लिख लूँ, इस पॉइंट पे जी इफेक्टिव मैं लिख लूँ, तो वो कैसे लिखते हैं, यहाँ पे आर ओमेगा स्क्वायर रोटेट हो रहा है इसकी स्पीड। अब देखो यहाँ पे जी इफेक्टिव लिखने का जो तरीका हमारे पास होता है, जो फॉर्मूला डायरेक्टली आपको लर्न भी होगा, जी इफेक्टिव इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई। फाई क्या है, ये एंगल, ये आपका इक्वेशन होता है। अब अपने को क्या बोला है, चलते चलते अचानक से रुक जाए, इसका मतलब क्या, ओमेगा जीरो हो गया, इसका मतलब क्या ओमेगा जीरो, और जैसे ओमेगा जीरो हुआ क्या है, पूरी टर्म जीरो हो गई। जैसे पूरे टर्म जीरो होगा ओमेगा जीरो होने के साथ, तो आपका जी इफेक्टिव जो आया जी हो गया, जी इफेक्टिव जी हो गया। अच्छा ये बताओ जी इफेक्टिव जी हो गया, पहले जी कैसा था, अगर ओमेगा समथिंग कुछ था, अगर सपोज करो आर ओमेगा इसकी वैल्यू, जी की वैल्यू अगर मान लो आप 10, ठीक है एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, और आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव की टोटल की वैल्यू मान लो आप तो 1 मान लो, ठीक है, तो इनिशियली में जी इफेक्टिव क्या था, जी इफेक्टिव इनिशियल की बात करो मैं, इनिशियल की मैं बात करूँ जी इफेक्टिव कितना था 9, ओके। और अगर फाइनली मैं देखूँ अब क्या हुआ, ये जो 1 मैंने किया था जीरो हो गया, 1 था जीरो हो गया, अब जी इफेक्टिव जो आया 10 के बराबर ही आ गया। अब कौन सा टर्म जाते हैं, ए वाला, मतलब फर्स्ट उसका वेट ज़्यादा था, जैसे रोटेशन बंद किया उसका वेट कम हो गया। अब ऑप्शन देखते हैं उसने क्या बोला, व्हाट विल बी इफेक्ट, जैसे रोटेशन बंद किया उसका वेट जो हुआ ओमेगा कम होने की वजह से उसका वेट जो हुआ बढ़ गया, पहले कितना था ये देखो, पहले उसका मैंने 10 माना था, जी की वैल्यू 10 माना था, अब देखो अब आर ओमेगा स्क्वायर जैसे इसको वैल्यू जीरो कर दूंगा, जैसे इसको जीरो करूंगा, अब जो मैंने एक्चुअल वैल्यू मानी थी वही आ गया, इसका मतलब उसका मास जो है, उसका वेट जो है, वेट देखते वेट किस क्या होता है, वेट डिपेंड किस पे करता है, मास और जी इफेक्टिव पे, ठीक है। तो पहले जी इफेक्टिव कितना था 9, अब कितना हो गया 10, इसका मतलब वेट जो है इंक्रीज कर गया, वेट जो है इंक्रीज कर गया, उसका भार, वेट मतलब भार इंक्रीज कर गया, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके थैंक यू।